Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamualaikum, good morning. आज के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं अनम काजमी. उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे. वेल, मेरी सुबह का आगाज भी आज बड़ा ही सुहाना हुआ क्योंकि आज मैंने सुबह सवेरे मॉर्निंग वॉक की और बहुत ही फ्रेश फील कर. अच्छा, मॉर्निंग वॉक जब आप करके आते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं और मेरी सुबह का आगाज भी बहुत ज्यादा जबरदस्त हुआ क्योंकि मैं, मुनीजा और अहमर और असमा, हम बहुत जबरदस्त से सॉन्ग सुनते हुए आए. साथ साथ आज हम तीनों चारों जो टीम मेट्स थे उनकी नींदें भी पूरी हुई थी. शो की बात करते हैं कि शो में आज हम क्या क्या चीजें जेरे बहस लेकर आएंगे. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से. इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो एक तरफ जहां पर सियासी पार्टियां, तमाम रहनुमा, तमाम सियासतदान बड़े मुतारिक हैं कि 2018 में उनको कम बैक करना है, वहीं पर इलेक्शन कमीशन भी बहुत ज्यादा मुतारिक है और उसने अपनी पॉलिसीज जो है वो वजह करना शुरू कर दी है. और किस तरीके से शुरू कर दी है कि इससे पहले तो उसने वोटर्स की लिस्ट जारी की कि टोटल पाकिस्तान में इतने वोटर्स हैं और उसके बाद जो दीगर गैर सियासी पार्टीज हैं उनके हवाले से भी एक लाहे अमल तय कर लिया है, एक लाहे अमल प्लान कर लिया है कि जी जिन पार्टीज को जो ज़ाब्ता अख़लाक़ दिया गया है अगर वो उस पर पूरे उतरते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको इलेक्शन कमीशन अपनी जानिब से आउट कर देगा. और दूसरी बात करते हैं हम कश्मीर के हवाले से, मकबूजा कश्मीर के हवाले से, जहां पर इंतहाई शर्मनाक वाकया पेश आया. पहले पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, फिर कीमियाई हमले किए गए और उसके बाद अब कश्मीरी खवातीन को उनके साथ इंतहाई दर्दनाक वाकया ये है, शर्मनाक वाकया ये है कि इंतहाई हुरमत वाली वो खवातीन है, पर्दे वाली वो खवातीन है जिनके साथ ये सलूक किया जा रहा है कि भारतीय फौजी एहलकार सादा लिबास में जाकर मकबूजा वादी में कश्मीर खवातीन की चोटियां काट रहे हैं. मतलब इससे बड़ा जुल्म और कोई हो नहीं सकता, इससे बड़ी शर्मनाक वाकया कोई हो नहीं सकता. इस पर बात करेंगे हम आज के शो में. साथ साथ हमारे साथ हुर्रियत रहनुमा होंगे जिनसे जानेंगे कि कश्मीर में बदलती हुई नई ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है और इस हवाले से मजीद भी आपको बताएंगे कि वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ हैं. बिल्कुल जनाब, भारतीयों की हर्जा सराय की हद तो ये है कि जो कश्मीर में खवातीन के लिए बेहरमती कर रहे हैं ये तो सूरत आपने देखी है. उसके अलावा जंगी जनून में मुबतला भारत की ऐसी मिसाल भी आपने कहीं नहीं देखी होगी. इंतहा यह है कि आजकल भारती आपको एक नया त्यौहार मनाते हुए नजर आएंगे जिसमें पूजा देवताओं की नहीं बल्कि हथियारों की जा रही है. भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तकरीब में लोगों की बड़ी तादाद में सरकारी अहदेदार, फौज और पुलिस अहलकार भी शरीक होते हैं. यानी अंदाजा कीजिए कि भारत जैसे शरपसंद मुल्क में इस तरह के त्यौहार मनाने से आलमी दुनिया को क्या पैगाम जाता है. और ये बात जानकर आपको निहायत हैरत भी होगी कि इस तरह की तकारीब में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी पेश दिखाई देते हैं. बिल्कुल, नरेंद्र मोदी के हवाले से तो क्या कहा जाए. अच्छा, कुछ आज हम बात करेंगे शो में पख्तून कल्चर म्यूजियम के हवाले से, जिसको फंड भी किया गया, जिसके हवाले से जो है वो काफी ज्यादा इकदामात भी किए गए लेकिन मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से अब ये जबूहाली का शिकार है और ये म्यूजियम अब सिर्फ एक इमारत बनकर रह गया है. हाँ, इस इमारत के बाहर एक चौकीदार जरूर बैठता है जो कि बंद ताले की निगरानी करता है, मगर वहां पर जब स्टूडेंट्स आते हैं तो इस म्यूजियम के बाहर लगे हुए ताले को देखकर वापस चले जाते हैं. करोड़ों रुपए के जो है वो फंड्स मुख्तस किए गए लेकिन देखभाल ना हो सकी. हाँ, देखभाल हम एक और चीज की भी कर रहे हैं, वो है हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, हमारे शाहीन, जिनके ऊपर पीसीबी समेत पूरी कौम की नजरें लगी हुई हैं लेकिन फिर भी उनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी के साथ आगे नहीं बढ़ रही है. बिल्कुल, जीत से कुछ पीछे और हार के साथ हम एक दफा फिर से हार गए हैं और इस हार का नतीजा ये हुआ कि अब एक दफा फिर से हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे आज के शो में कि हमारी टीम को ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी कौन सी चीजें मुतासर करती हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी के साथ आगे नहीं बढ़ाते हैं. सरफराज कभी बिल्कुल भी धोखा नहीं देते हैं और कभी धोखा दे के जाते हैं तो उनके धोखे के बाद एक के बाद एक खिलाड़ी धोखा देके जाता है और लाइन लग जाती है कि तू चल में आया. तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की इस कारकर्दगी के हवाले से भी हम बात करेंगे, हमारे साथ एनालिस्ट होंगे और इसके अलावा टॉप स्टोरीज पर भी हम नजर डालेंगे. बिल्कुल जनाब, इसके अलावा शो में आज कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी आगे चलकर आपको बताएंगे. और कौन कहता है जनाब के पाकिस्तानी आवाम आज भी 19वीं सदी में जी रही है. जनाब, इस बार की सालाना रिपोर्ट देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे क्योंकि अब पाकिस्तान इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले 10 मईशतों की फहरिस्त में भी शामिल हो चुका है. तो सिर्फ शऊर ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी भी दिन ब दिन बढ़ रही है और हाल ही में हमारे पाकिस्तानी नौजवान तालिबे इल्म ने फिजिक्स के एक एक्सपेरिमेंट से दुनिया के तमाम जो साइंसदान हैं उनको भी हैरान कर दिया है. तो जनाब, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है बल्कि दुनिया मानती है और पाकिस्तानियों में इतना तासुब भी नहीं है कि जनाब ऐसे लोग जिनको माना जाए उनको डिनाई कर दिया जाए. तो आज अमिताभ बच्चन की बर्थडे के हवाले से भी हम कुछ बातें करेंगे लेकिन यहां पर वक्त हुआ है हमारी टॉप स्टोरीज का.
दरभंगा पार्टियों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन की शराइत सख्त कर दी। 2 लाख रुपए इन लिस्ट में शामिल फीस और 2000 कारकुनों का डेटा जमा कराना होगा। बसूरत दीगर पार्टी की रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी जाएगी। कर ली गई। पाकिस्तान ने भारतीय मुजालिम का वाकया एक बार फिर अक्वामे मुत्तहिदा में उठा दिया। मलिहा लोधी ने मकबूजा कश्मीर में पैलेट गन का इस्तेमाल जंगी जुर्म करार दे दिया। पख्तूनख्वा में पख्तून कल्चर म्यूजियम हुकूमत की तवज्जो का मुंतजर। खतीर रकम से म्यूजियम तो तामीर हो गया, लेकिन मुनासिब देखभाल न होने के बायस म्यूजियम सिर्फ एक इमारत ही बनकर रह गया। चलकर देखेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं कि आज अखबारात की शह सुर्खियां क्या कह रही हैं। तो जनाब अखबारात में आज अहम बयानात हैं आसिफ जरदारी की जानिब से भी और कुछ दीगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी। पहले तो सबसे पहले जो आज यहाँ पर मेन लीड है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि मियां साहब हमारे नहीं निकालने वालों के खौफ से निकले हैं, कौम नवाज और इमरान से होशियार हो जाए। जरदारी साहब का ऐसा कहना है, उनका ये अहम बयान आज मेन लीड लगाया गया है। जबकि आज अगर मेन हेडलाइन की बात करूं तो वो सुप्रीम कोर्ट का बयान है, जिसमें उनका कहना है कि क्या सबूत है कि इमरान की दस्तावेज असली है या नकली। और साथ साथ दूसरी तरफ जहांगीर तरीन से जमीन की लीज का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। तो ये दोनों अहम खबरें जो हैं वो आज एक्सप्रेस उज़नामा में लगाई गई हैं। ठीक है, अच्छा आसिफ अली जरदारी साहब का जो बयान है वो भी जंग में मेन लीड का हिस्सा बनाया गया है, जिसमें उनका यही कहना है कि मियां साहब निकालने वालों के खौफ से खुद निकले। अच्छा, अगर देखा जाए तो मिस्टर जरदारी का ये जो बयान है ये इंतहाई अहमियत हासिल कर गया है, क्योंकि इससे पहले पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से मौकफ तो सामने आता था, लेकिन यूजुअली कुछ वेग सा मौकफ था, कुछ समझ नहीं आता था कि वो उनकी क्लियर पॉलिसी क्या है। लेकिन हमने देखा कि आज ने उसके प्रोग्राम के अंदर जब उन्होंने अपना स्पेशल इंटरव्यू दिया तो उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वाजे कर दी और कई सारे सवाल भी उठा दिए। उन्होंने कहा जी मियां नवाज ने बेवफाई की, अब सवाल ये उठता है कि बेवफाई किस बात पर की, और यही तमाम तजियाकार यही तमाम जर्नलिस्ट जानने के लिए बेचैन है कि जी जो बेवफाई हुई और जब आप साथ नहीं निभाना चाहते वो किस बिना पर नहीं निभाना चाहते, क्या कोलिशन गवर्नमेंट बना रहे थे आप बैठ के साथ में या फिर क्या। गालिबन उनका इशारा अयान अली और डॉक्टर आसिम की तरफ था, जिस पर उनका ये कहना था कि हम जब उनसे पूछते थे मियाँ साहब से कि जी ये क्या हो रहा है तो वो कहते थे जी हमें नहीं पता, ये तो कार्रवाइयाँ निसार कर रहा है। जिस पर जरदारी साहब कहते थे कि जी हुकूमत तो आपकी है, आपको नहीं पता। तो ये सारे गिले शिकवे जरदारी साहब के इस बयान को जंग ने आज भी अपनी मेन लीड का हिस्सा बनाया हुआ है। चले जनाब, इस अहम खबर के हवाले से तजिया मेरा काला सब आपको दे चुकी है। हाँ। लेकिन इस खबर जो मजीद कुछ खबरें हैं वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, लेकिन दो खबरें इस वक्त मेरे पास हैं जो कराची वालों के लिए, और अफसोस की बात यह कि दोनों खबरें जो है वो थोड़ी बुरी हैं। पहली चीज तो ये कि कराची में हीट वेव आई हुई है और कल भी हमने देखा कि जो टेम्परेचर है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जिसके बाद लोगों की तो चीखें निकल गई थी क्योंकि गर्मी कराची में बाकी बहुत ज्यादा है। जबकि माहरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि आप पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और कॉफी एंड चाय जैसी चीजों को बिल्कुल अवॉइड करें। और दूसरी खबर कराची वालों के लिए है कि नैप्रा ने जो की इलेक्ट्रिक है उसके टैरिफ में 75 रुपए से फी यूनिट का इजाफा कर दिया है। तो एक तरफ जनाब जहां पर बिजली बढ़ रही है, दूसरी तरफ गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तो ये दोनों खबरें कराची वालों के लिए थोड़ी बुरी साबित हो रही है। उसके अलावा जनाब अगर कुछ मजीद खबरें शामिल करें तो ख्वाजा आसिफ का यहाँ पर बयान लगाया गया है कि हुकूमत अपनी 5 साल आईनी मुद्दत को पूरा करेगी। और दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून से ही हमारे पास एक खबर है कि वजीर दाखिला एहसन इकबाल साहब जो है वो अपने 3 रोजा अमरीकी दौरे पर आज रवाना हो रहे हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी खबरें जहां जो यहां पर मेंशन है उस हवाले से आपको हम बता रहे थे। और साथ साथ शेख रशीद का भी एक बयान है जो बताती चलूं कि वजीर आजम अब्बासी 15 साल की करप्शन में पार्टनर हैं, चाहे तहरीक इंसाफ हो चाहे शेख रशीद हो, उनकी जानिब से वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मैं अपने पिछले भी कुछ शोज के अंदर ये बात मेंशन कर चुकी हूँ कि उन्हें पपेट वजीर आजम का लकब जो है वो इन्हीं की जानिब से दिया। अच्छा, एलएनजी का मामला है, वजीर आजम शाहिद
काकान अब्बासी पे एलएनजी के हवाले से काफी ज्यादा तहफ्फुज़ात हैं और वही जो कतर से इन्होंने मंसूबे किए हैं उस हवाले से भी काफी ज्यादा जो है बातें की जा रही है। अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मैं शामिल करूँ आपको कल की, जिसको देखने के बाद जिसको जानने के बाद मेरे जहन में यही आया कि जी पाकिस्तान को ही हम क्यों टारगेट करते हैं। कल हमने देखा कि भारत में जब ऑस्ट्रेलियन टीम ने भारतीयों को हराया तो उसके बाद जो ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन हैं उन्होंने ट्वीट की जिसके पीछे जो है वो शीशे टूटे हुए गिरे हुए थे, तो भारतीयों ने जो है ऑस्ट्रेलियन टीम के ऊपर पत्थर बरसाए और साथ साथ इस पत्थर की जगह गोली भी आ सकती थी। जैसे कि पाकिस्तान में हमेशा कहा जाता है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर नहीं है तो इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ नहीं आ सकते हैं। क्या गारंटी है अब बाकी प्लेयर्स की जो भारत खेलने के लिए जाएंगे कि अगर भारतीय टीम हार जाएगी तो भारतीय शायकीन ये सलूक करेंगे अपनी मेहमान टीम के साथ? इसके ऊपर भी जरूर बात करेंगे, लेकिन कल इस खबर पे जो है वो बहुत ज्यादा शोर शराबा हुआ और सिक्योरिटी ब्रीच के हवाले से भारत में अब बहुत कंसर्न शुरू हो गए। तो ICC को अब इस बारे में स्टैंड अप होना चाहिए कि जहाँ पाकिस्तान पर उंगलियां उठाते हैं वहाँ भारत से भी अब सवाल किए जाने चाहिए। चले जनाब आगे बढ़ते हैं, मुख्तलिफ शहरों का रुख करते हैं जिसमें सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद की और इस्लामाबाद में आज क्या सियासी और गैर सियासी गर्मियां होने जा रही हैं, इस हवाले से अपडेट हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे राना तारिक से। जी राना तारिक अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आजकल इस्लामाबाद जो है वफाकी दारुल हुकूमत जो है खबरों की एक गर्दिश में है, बहुत ज़्यादा सियासी एक्टिविटीज़ हैं इस्लामाबाद में, खासतौर पर अब आज जो सुप्रीम कोर्ट में केस है जहांगीर तरीन की नाअहली के हवाले से उसकी भी 11:30 बजे समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है उसके अहम केस की जो है वो समाअत कर रहा है। हनीफ अब्बासी हैं मुस्लिम लीग की नून के रहनुमा जो है उनकी दरख्वास्त पर ये केस जो है वो सुना जा रहा है। कल ज़मीन की लीज का जो है वो रिकॉर्ड तलब किया गया है अदालत उज़्मा की जानिब से। इसके अलावा कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास जो हैं वो भी चल रहे हैं, उनमें भी बहुत अहम बहस हो रही है। इलेक्शन बिल जो है सेनेट से कल पास हो चुका है, खत्म नबूवत के हवाले से जो सर्टिफिकेट्स था डिक्लेरेशन था उसमें तरमीम के साथ सेनेट ने भी कल जो है उसकी मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ सबसे अहम चीज़ जो है वो दोनों इजलासों में PIA के तैयारे की गुमशुदगी के हवाले से है, वो मौजूद जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर गया है कि PIA का तैयारा जो है यहाँ से फिल्म के लिए किराए पर हायर किया गया, माल्टा में फिल्म बनाई गई और माल्टा से जर्मनी पहुँच गया, उसके बाद तैयारे का कुछ नहीं है। बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है PIA की गुमशुदगी वाला जो तैयारे का मामला है, यही कहा गया था कि जी हमने तो शूटिंग पे दिया था, उसके बाद तैयारा कहाँ गया? इस केस में कोई अहम पेशरफ सामने आई है? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली की जानिब से कल डायरेक्शन दी गई है वज़ीर मुमलिकत शेख आफ्ताब को कि 1 माह के अंदर अंदर कौमी असम्बली को तमाम तर तहकीकात और शवाहिद के हवाले से जो है आगाह किया जाए पार्लियामेंट को इस हवाले से, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये जर्मन CEO थे जिनको फारग कर दिया गया नौकरी से, वो ये तैयारा जो है वो किराए पर लेकर गए थे, उसके बाद एडवांस जो है किराया अदा किया गया, उसके बाद वो किराया भी अदा नहीं किया गया और जर्मनी में जहाँ पर पार्क किया गया है तैयारा PIA का, वो पार्किंग की फीस जो है वो हुकूमत पाकिस्तान से तलब की जा रही है, मांगी जा रही है और अब तक FIA जो है इस केस की खास तौर पर तहकीकात कर रहा है, आगे आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन अपडेट कर रहे थे क्या कहा जाए, जर्मन से तैयारा लेकर गए, तैयारा वापस नहीं आया और उसकी पार्किंग की फीस भी जो है वो पाकिस्तान से ही तलब की जा रही है। अनोखे अनोखे वाकयात होते हैं पाकिस्तान में, क्या कहा जाए। PIA तो पहले ही जबूहाली का शिकार है, PIA तो पहले ही इतनी ज्यादा मुसाफिरों को शिकायत होती है, PIA में AC तक नहीं चलता जिस एयरलाइन में, जिस एयरलाइन ने दुनिया की एयरलाइन को चलना सिखाया उस एयरलाइन का जो है अब ये हाल है। आगे बढ़ते हैं और लाहौर का हम रुख करेंगे और लाहौर में है आज न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक खान और उनसे जानेंगे कि शहर में आज क्या सियासी और समाजी सरगर्मियां होने जा रही हैं। जी तारिक खान, बिल्कुल आपने अभी थोड़ी देर पहले क्योंकि PIA एयरलाइन की बात की तो लाहौर में भी एक हंगामी लैंडिंग हुई है, एक तैयारा जो सियालकोट से परवाज की है और रियाज उसने जाना था, 300 मुसाफिर इसमें सवार थे और बताया जा रहा है कि हंगामी लैंडिंग हुई लाहौर एयरपोर्ट पे और उसमें कुछ धुआं भर गया था और जो तर्जुमान हैं उनका कहना है कि जो कार्गो सेक्शन है उसमें कुछ धुआं भर गया था जिससे कहा जा रहा था शायद कुछ मसला क्रिएट हो गया है, लेकिन जब तेरा उतारा गया तो कोई ऐसा इशू नहीं था उसमें। वो रूटीन की चेकअप के बाद अब उसे दोबारा जो है वो रियाज के लिए परवाज आज करेगा, तो ये भी एक PIA के हवाले से एक खबर है जैसे तैयारा बिक गया और यहाँ भी चले जी ठीक है। PIA की लैंडिंग के हवाले से हंगामी लैंडिंग की गई है लाहौर में और बाकमाल लोग लाजवाब, क्या कहें? बिल्कुल जनाब, PIA के हवाले से जो है वो उम्मीद करते हैं कि कभी हमें अच्छी खबर भी आपको देने का मौका मिले। आगे बढ़ते हैं और कराची के हवाले से बात करते हैं, कराची में आज कौन कौन सी सियासी सरगर्मियां होने जा रही है तो हम जरूर जानेंगे, लेकिन कुछ मौसम के
हवाले से बात कर लेते हैं। एहसन अब्बासी हमारे साथ हैं। एहसन, ये बताएगा कराची में कल भी हमने देखा टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला गया और कहा जा रहा है कि जुमे तक जो है ये हीट वेव रहेगी। आपके पास क्या तफसीलात हैं, कौन से इलाके में और गर्मी कितनी है? जी बिल्कुल, आप तमाम बातें कीजिए लेकिन मौसम की इस वक्त बात नहीं कीजिए क्योंकि तपिश बहुत ज्यादा है। 33 डिग्री सेंटीग्रेड में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और वक्त के साथ साथ जो है घंटों के साथ टेम्परेचर में इजाफा होता चला जाएगा। 12 बजे जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है कि आज जो है 41 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इम्कान है पहुंचने का। जो शहरी बाहर निकल रहे हैं, जो धूप में सफर कर रहे हैं, वो कम से कम जो है वो धूप में सफर करें, एहतियात को तरजीह दें, ठंडे मशरूबात का जो है वक्त के साथ साथ जो है वो इस्तेमाल यकीनी बनाएं ताकि जो है वो अस्पताल, डॉक्टर्स और हीट स्ट्रोक से जो है वो बचा जा सके। जबकि आज सुबह भी देखने में आया जैसे पेशेंट गोई थी हीट स्ट्रोक के हवाले से टेम्परेचर की, तो जो सुबह बच्चे स्कूल जा रहे थे छोटे, तो उनके वालदैन ने भी जो है वो पानी की मकदार में आज इजाफा दिया है उनके साथ। और खवातीन से भी हमारी बात हुई थी सुबह, तो उनका कहना ये था कि टैंक और ORS का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है बच्चों के पानी में आज। जी ठीक है, ऐसा अब्बासी मौसम का हाल आप बता रहे थे कराची से, आपका बहुत शुक्रिया। और आज मुझे लगता है कि अब किसी से अगर ये पूछा गया कि भाई कराची का मौसम कैसा है तो उसने ये बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब अखबारात में आज कौन कौन से मौजूदात से बहस हैं, सब पर बात करने के लिए हमारे से स्टूडियोज में मौजूद हैं नफीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम नफीस साहब। वालेकुम सलाम। नफीस साहब, दिल तो कर रहा है आपसे पूछूं कि इदारियों में आज क्या कुछ है, लेकिन अभी हमने जैसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया है बाकमाल लोगों का और उनकी लाजवाब सर्विस का, कभी एक्सपीरियंस हुआ है आपका PIA में सफर करने का? जी हाँ, हुआ तो है, लेकिन मैं आज जो बात करना चाह रहा था ना, आपको याद होगा इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं काफी टाइम पहले। तमाम जो है ये बाकमाल सर्विस और लाजवाब अफराद जो है लोग हैं, इनसे तमाम लोग मुस्तफिद हो चुके हैं। हम अभी हमने देखा था कि MH370 एक तैयारा मलेशियन एयरलाइन मिस हुआ था, 2014 में गायब हो गया था, लापता हो गया था, और उसकी तहकीकात को कहते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी तहकीकात थी, लेकिन आज तक उसका मलबा नहीं मिल सका। वो 225 अफराद की जिंदगी का नहीं मालूम होगी क्या हुआ उनके साथ। हमारे यहाँ भी एक तैयारा मिस हुआ और किसी को नहीं मालूम था, ना उसकी कोई तलाशी के लिए कोशिशें की गई और ना आवाम को मालूम था कि वो गया का A310 बस एयरबस जो है वो PIA की जो कि फ्लाइट वर्दी एयरलाइन थी, एक प्लेन था उस, वो गायब हो गया। और कहा गया कभी कहा गया कि जो CEO जो है XCO वो अपने साथ ले गया जर्मनी, कभी गया कि प्लेन जो है वो अपने गायब हो चुका है। असल कहानी ये हुई कि अब पार्लियामेंट शेख आफ्ताब ने भी कहा कि तैयारी को बेच दिया गया है, और एविएशन डिवीजन के सेक्रेटरी ने कल जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी में ये बयान दिया, उन्होंने कहा कि 57,000 यूरो का प्लेन बेचा गया है। अच्छा। जर्मन कंपनी को जिन्होंने म्यूजियम को देना था, ये पहले ये जानिब से तो कहा जा रहा है, हमने तो शूटिंग पे दिया था, और उनकी इस इंकशाफ पे सब एकदम चौकन्ना हो गया। आवाज आई हाँ, यानी कि 57,000 यूरो का मतलब एक कार की कीमत से भी कम आपने प्लेन बेच दिया। उन्होंने कहा कि शुरू में ये ढांचे का बेचने का कहा गया था, लेकिन फिर खबरें आई कि इंजन समेत और दूसरी मशीनरी समेत बेच दिया गया। रफी साहब, ऐसी नौबत आ चुकी है कि हम अपने PIA के जहाजों को म्यूजियम में रखने के लिए भेज दें? जी हाँ बिल्कुल, यही सबसे बड़ा यही कोशिश साहब साहब ने कहा। चार रुकनी कमेटी इसीलिए बना दी है कि तहकीक करें पहले तो ये बात कि आप जो है वो गया कैसे प्लेन बगैर इजाजत के बेचने, ना उसका कोई वादा किया गया। और फिर ये भी कहा गया कि शुरू में माल्टा की कंपनी थी, इसको फिल्म की शूटिंग के लिए भेजा गया था और वो $210,000 पे भेजा गया था। हाँ। और अब अंदाजा देखें कि जर्मनी में जो पार्किंग फीस है उसकी $2,00,000 से बढ़ चुकी है, $2,00,000 से बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट ये थी कि पहले इस तैयारी के हवाले से, जब आपको याद होगा एक दफा पहले भी ये खबर हम डिस्कस कर रहे थे, तो हम यही कह रहे थे कि नहीं शायद प्राइवेट जेट होगा, मतलब एक आम पाकिस्तानी को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि हमारे अपने तैयारी के साथ इस तरह का वाकया पेश आ सकता है। अब ये बताएं, इस वाकये पे जो चार रुकनी कमेटी बनाई है उसके बाद अब आपको लगता है कि नून लीग की आला क्यादत को इस पर बाकी नोटिस लेना चाहिए कि एक तो PIA पहले ही उसका सर्वाइवल मुश्किल है, पहले उसमें हादसे होते रहते हैं, आज भी हंगामी लैंडिंग हुई है, इसके ऊपर तो मुझे लगता है प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। देखिए अब तो आपने देखा नए चेयरमैन NAB के ऊपर भी जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि पैक ने ये कहा है कि NAB के सपोर्ट कर दिया कि NAB इसकी तहकीकात करे। चार रुकनी कमेटी 2 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
और उसके अलावा सिर्फ यही नहीं, 15 जो पैसेंजर पुल बनाए गए थे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, हाँ। उसमें कहते हैं कि 6 बिलियन रुपीज का चूना लगाया गया है उसके अंदर भी। तो एक ही नहीं, क्योंकि हमने देखा था एक्सीओ जो है हिलबन को जो है ना सिर्फ करप्शन के चार्जेस पे उनका नाम ईसीएल में डाला गया था और हाँ। फिर अचानक उनका नाम हटा दिया गया। उस पर भी खुर्शीद शाह ने कहा है कि तहकीक की जाए कि किसने हुक्म दिया था कि उनका नाम ईसीएल से निकाला गया और फिर वो चले गए और प्लेन भी उनके साथ। पता नहीं किस बिना पर इतना शोर मचाया गया था प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जब पीआईए का मामला चला था। एनीवे नफीस साहब, अगला इदारिया किस हवाले से? अगला इदारिया पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर जंग का इदारिया है। इदारिया ये कहता है कि पाकिस्तान को इस वक्त माशी और ये दिफाई हवाले से जो है वो चैलेंजेस का सामना है। सियासी महाज पर भी पाकिस्तान को चैलेंज का सामना है। पाकिस्तान देख रहे हैं कि इंतखाबात के दिन करीब आ रहे हैं, जो दिन करीब आ रहे हैं पॉलिटिकल जमातें जो हैं वो पूरा अपना जोर लगा रही हैं और जातियात पर हमले हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक ऐसा तासुर मिल रहा है, इस तरह का तासुर मिल रहा है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत पैदा हो रही है, जो कि मईशत पर असरअंदाज़ हो रही है। और वो माशी इदारे जो आलमी इदारे जो कि आपकी ग्रोथ रेट को आपकी तरक्की की शरह को जो है वो कह रहे थे कि ये अच्छी हो जाएगी और नवी सुना रहे थे, वो अब कदरें मायूस नजर आते हैं। इस हवाले से इदारे ने एक वर्ल्ड बैंक के जो जनूबी एशिया के हवाले से एक सारी रिपोर्ट का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि जो माशी जो सियासी अदम इस्तेकाम है इसने माईशत को पर असर डाला है और आपके कर्जे और जो मालियती खसारा है इसका जो अदम इस्तेकाम है, जो अदम तवाजुन है, ये आपकी ग्रोथ रेट को ना सिर्फ कर देगा बल्कि मुल्क में भी महंगाई की शराब में इजाफे का सबब बनेगा। पेट्रोल मिलना नायाब हो गया था, पेट्रोल के हवाले से कितना ज्यादा शोर मचा हुआ था, पेट्रोल नहीं मिल रहा था। फिर टमाटर आप अगर देखें तो टमाटर के ऊपर तो बल्कि हमने एक पूरा एडिटोरियल भी डिस्कस किया था। उसके अलावा अगर आप दूसरी चीजों के ऊपर जाएं, आटे के ऊपर जाएं, दालों के ऊपर जाएं, तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। इवन जो आपकी कॉटन है, जो कपड़ा है, उसके रेट्स भी हाई हो गए हैं। तो समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ तो फॉर्ब्स जो है वो ये पब्लिश करता है कि जी मईशत पाकिस्तान की बेहतर हो रही है, दूसरी तरफ मुल्क के अंदर हो क्या रहा है मईशत के हवाले से। तो अगर हम बात करें मईशत की, तो आपको लगता है कि अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मईशत की, मईशत के जो हमारे वजीर हैं उनके कंधों पे कितनी आती है, क्योंकि उनको जस्टिफाई करके जाना है 18 से पहले कि हम क्या करके गए। जी हाँ, बिल्कुल यही कहा जा रहा है कि इंतखाबात करीब है, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि गवर्नमेंट ने भी अगर जो अपने जितने बड़े बड़े दावे किए थे ना ये वो सारे इंडिकेटर्स नेगेटिव जा रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट अगर पढ़े तो इसमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं। साथ में जो इदारिया ने एक और बड़ा चैलेंज कहा है वो ये कहा है महाज जो हम देख रहे हैं बैरूनी महाज, अंदरूनी और बैरूनी महाज पर फौज जो है वह इंतहाई अलर्ट है। भारत की तरफ से आपने देखा कि अभी अमरीका ने भारत को सीपैक के हवाले से वही जबान बोल रहा है जो भारत बोल रहा है। पहले ईरान की हमने देखा था कि गैस के लिए हमने ईरान से माहिदा किया था, अमरीका ने पाबंदियां लगा के वो माहिदा भी रुकवा दिया। अब सीपैक के हवाले से तो फौज को अंदरूनी बैरूनी जो महाज का सामना है इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। वर्किंग बाउंड्री पर भारत जो है वो जंग लड़ने के यानी कि एलओसी पर या वर्किंग बाउंड्री पे देखें वो जंग की सूरत हाल पैदा कर रहा है। तो इदारिया ये कहता है कि जब फौज इस तरह, क्योंकि इस वक्त लोग मीडिया में खबरें देखकर बड़े परेशान होते हैं कि क्या होगा मुल्क का, लेकिन अभी हमने देखा कि कमर जावेद बाजवा और वजीर आजम के बयान ने कुछ हौसला दिया। यहाँ पर अभी यही बात मेंशन करने वाली थी कि चाहे जितने भी खतरात हैं, चाहे जितने भी हम लोग इस वक्त सियासी तौर पर मुत्तहिद दिखाई नहीं दे रहे, जो भी सिचुएशन मुल्क के अंदर चल रही है वो सब अपनी जगह, लेकिन दूसरी जानिब जो बयानात दिए जा रहे हैं वो चाहे शाह काकान अब्बासी की जानिब से हो, चाहे हमारे आर्मी चीफ की जानिब से हो, वो पैगाम बहुत वाजे और बहुत दो टोक है, जिसके थ्रू हमारे दुश्मनों पर डेफिनेटली एक धाक बैठेगी कि पाकिस्तान जो है वो अब किसी किस्म के इंतजार जो है अमरीका की जानिब से नहीं चाहता किसी चीज का। तो बहुत अच्छे और खुशाइंद इकदाम है जो पाकिस्तान के वजीरों की जानिब से जो बयान आ रहे हैं उसकी सूरत में हमें मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया नफीस सईद साहब, आप हमारे साथ थे और डेफिनेटली दो अहम इदारे थे जिनके ऊपर आज के शो में हमने बात की है। तो डेफिनेटली जो ये ओवरऑल सिचुएशन है इसके ऊपर मजीद भी कुछ आगे चल के बात करेंगे, कुछ अहम स्टोरीज हैं जो भारत के हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन यहां पर लेंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। अब कुछ बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से। आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने एक अहम फैसला किया है, जिसके बाद तांगा पार्टियों को कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सैकड़ों गैर फाल सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन मंसूख करने का फैसला किया गया है और रजिस्ट्रेशन के लिए अब काफी सख्त शराइत भी रख दी गई है। तांगा पार्टियों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया।
इलेक्शन कमीशन ने गैर संजीदा सियासी जमातों को डी लिस्ट करने का बड़ा फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन अब 352 सियासी जमातों को जरूरी तकाजे पूरे करने का हुक्म देगा, जिसमें नाकाम रहने पर इन जमातों की रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन गैर फाल जमातों को 2 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराने का हुक्म देगा और उनसे 2000 कारकुनों की शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी के हमरा फहरिस्त मांगी जाएगी। इन जमातों को पार्टी आइन, अकाउंट्स, इंट्रा पार्टी इलेक्शन समेत दीगर तफसीलात जमा कराने का नोटिस भी जारी किया जाएगा। सियासी जमातों 30 नवंबर तक तफसीलात जमा कराने की मोहलत दी जाएगी। तफसीलात ना जमा कराने वाली जमातों को शो कॉज नोटिस के बाद डी लिस्ट कर दिया जाएगा। जराए के मुताबिक 325 से ज्यादा सियासी जमातें कभी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बन सकी और 352 में से 300 पार्टीज गैर फाल हैं और इलेक्शन एक्ट पर पूरा नहीं उतरती। गैर संजीदा जमातों के निकालने से इलेक्शन कमीशन पर बोझ कम होगा और इंतखाबी निशानात जारी करना आसान होगा। तांगा पार्टियों का मुस्तकबिल अब क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जब भी ये सब कुछ पता चलेगा ये जमातें इलेक्शन कमीशन की नई शराइत को पूरा करेंगी तभी ये इन चीजों के बारे में हम बेहतर तौर पर बता सकेंगे। इस सब पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद है विजय लिंक पर सरवर बारी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सर। सर आप पॉफिन के मेंबर भी हैं और साथ साथ इलेक्शन कमीशन के हवाले से इस वक्त हमारे साथ तर्जी और तबसरी के लिए मौजूद हैं। सर बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के हवाले से जिसने गैर फाल जमातों की रजिस्ट्रेशन की मनसूखी का अब फैसला कर लिया है, आप कैसे देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को? देखिए पहली बात तो ये है कि आइन का एक आर्टिकल है जिसमें राइट टू एसोसिएशन मौजूद है और उसके हवाले से अगर इस नई जो इलेक्शन कमीशन की जो नोटिफिकेशन है मैं समझता हूँ उस आयन की जो शिक है उसकी ये वाज खिलाफ वर्जी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को या किसी भी जो अदारा है पाकिस्तान का उसके पास ये हक नहीं है कि वो आयन से बालातर कोई फैसला कर पाए। जी हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर बात है कि अगर ऐसी तंजीमें जो बहुत अरसे से जिन्होंने बहुत ही अरसे से जो है इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लिया और बाकी चीज़ें नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन सिर्फ इस हद तक कर सकता है कि ऐसी तंजीमों को इलेक्शन लड़ने से पहले जो शरायत हैं वो कुछ नाफज कर सकता है, लेकिन उनको कालादम करार देना या उनको डी रजिस्टर करना ये कोई अच्छी बात नहीं है मेरी नजर में। क्या समझते हैं आप, अगर बड़ी जमातें इलेक्शन कमीशन की शराइत को पूरा नहीं कर सकी तो क्या उनके ऊपर भी ये नोटिफिकेशन लागू होगा कि इलेक्शन कमीशन इन जमातों की भी रजिस्ट्रेशन मंसूख करेगी, या ये सिर्फ उन गली मोहल्ले की जमातों के लिए ही है? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये आइन की खिलाफ वर्जी है। हर शहरी को मिलकर किसी और 10 शहरियों के साथ मिलकर एसोसिएशन और पोलिटिकल पार्टी बनाने का राइट है, इसलिए ये तो बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात यह है कि क्या जो जिनको हम बड़ी जमातें समझते हैं कि क्या उनके कारकुनान की लिस्टें मौजूद हैं? तो मैं ये समझता हूं कि अगर आप कहें कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, या तहरीक इंसाफ है, या जमात इस्लामी है, शायद उसका कोई निकल आए, लेकिन बहुत सारी जमातों के कारकुनान की तो लिस्टें ही हमारे पास नहीं है। तो जो अगर लिस्टें हैं तो उनको चेक कैसे किया जाएगा कि ये वाकई किसी पार्टी के जेन्युइन मेंबर हैं और उनका जो मेंबरशिप फी है वो बाकायदगी से पे कर रहे हैं? तो ये बहुत ही खौफनाक किस्म की एक मेरी नज़र में ड्रैकोनियन चीज़ है। इसकी हरगज़ ज़रूरत नहीं है कि आप गैर फाल सियासी जमातों को डी रजिस्टर करें। वो रजिस्टर पड़ी रहें, वो आपको क्या कहती हैं, कोई ऐसी कदगन नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक अगर गरीबों की पार्टी मौजूद हो, उसके 1000 अरकान हैं और वो एक्टिव हैं, लेकिन वो 2 लाख रुपया नहीं दे सकते, गरीब लोगों की पार्टी है, तो ये इस तरह की जो शरायत है ये मैं समझता हूँ बिल्कुल जमहूरियत की रूह के मुनाफी है। ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि इस तरह के जो है वो जमहूरियत की रूह के मुनाफी हैं। अच्छा, अभी हाल ही में हमने देखा अगर NA 120 के ज़मीनी इंतखाबात की बात की जाए तो इसमें इलेक्शन कमीशन पर काफ़ी सवालात भी उठाए गए और वो सवालात थे डेफिनेटली अवामी मुस्लिम लीग के हवाले से जो कैंपेनिंग भी कर रहे थे, मिली मुस्लिम लीग के हवाले से थे जो कैंपेनिंग भी कर रहे थे और कई ज़्यादा जो है उनके बैनर्स भी लगे हुए थे। तो आपको क्या लगता है कि इस जो पार्टी है इस पर तनकीद हुई उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने ये स्टांस लिया है कि इस तरह के इकदाम किए जाएंगे? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि इन दो चीज़ों का आपस में ताल्लुक है। एक जमात है, एक ग्रोह है, उसकी जो लीडरशिप है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, और UN ने उनको डिक्लेयर किया हुआ है कि वो वांटेड लोग हैं, वो कोई सियासी जमात नहीं बना सकते।
तो इसलिए वो तो बिल्कुल एक दूसरी बात है कि अगर कोई दहशतगर्द या ऐसे लोग जो वायलेंस को इस्तेमाल करते हैं और उन पर आलमी सतह पर भी और पाकिस्तान की अपनी जो पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट डिजास्टर अगेंस्ट टेररिज्म और वायलेंस है उनके हवाले से जो बात है इन दो बातों का आपस में मेरी नज़र में कोई तल्लक बनता ही नहीं है। वो तो एक ऐसी तंजीमें हैं जो वायलेंस में इन्वॉल्व रही हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट है, उनकी पाबंदी और ये पाबंदी में फ़र्क है, क्योंकि मिल्ली मुस्लिम लीग जो है वो तो बाकायदा अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई और जो इलेक्शंस हुए बाई इलेक्शन हुए NA 120 में उस जमात का नाम इस्तेमाल किया गया ऐसे लोगों की तरफ से जिनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां मौजूद हैं हमारी सतह पर भी, कौमी सतह पर भी और आलमी सतह पर भी। अच्छा सर्विस साहब ये भी बताइए कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ ये जमातें जिन्हें तांगा पार्टी कहा जा रहा है और तांगा पार्टी समझा जाता है, ये कोई कानूनी हक रखती है? यानी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ कोई आवाज उठाई जा सकती है किसी भी फोरम पर? देखिए जी, पाकिस्तान का आइन सबसे बालातर है और चाहे पार्लियामेंट हो या कोई और अदारा हो, पार्लियामेंट भी इस आइन की जो बुनियादी शिकें हैं उनमें तब्दीली नहीं कर सकती। उसकी जो बुनियादी रूह है उसके खिलाफ कोई लेजिस्लेशन पार्लियामेंट भी नहीं कर सकती। तो इसलिए ये तो बहस तलब बात है ही नहीं कि अगर कोई जो हमारा फंडामेंटल राइट है, एक हमारा बुनियादी हक है शहरियों का कि वो एसोसिएशन बनाएं, वो पुरमन हो, जमहूरी तरीके से काम करें, ये भला कहाँ से आ गया कि अगर उनके मेंबर्स 2000 से कम हैं या वो वोट इतने लेते हैं तो फिर उनको नहीं होगा? यूरोप के अंदर ऐसी सैकड़ों पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं जिनके चंद सौ मेंबरान होंगे लेकिन वो हैं, मौजूद हैं, काम कर रही हैं अपनी सतह पर, चाहे छोटी सतह पर काम कर रही हैं। तो ये तो बात ही मैं समझता हूँ कि समझ से बालातर है। अच्छा, इस तरह तो जी कह रहे हैं आप, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद छोटी जमातें जो हैं वो बहुत ज्यादा तहफ़ुज़ात का शिकार हैं कि वो कैसे अपने कारकुनान का डेटा जमा करा सकेंगी। इस हवाले से आप क्या देखते हैं कि अगर कोई पार्टी अब आगे आना चाहती है तो वो नहीं आ सकेगी? देखिए, अभी पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में और हमारे यहाँ बाकी सूबों में जो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हैं वो जमाती बुनियादों पर होते हैं। अगर हम कोई 200 लोग मिलकर फैसला करें कि हमने यूनियन काउंसिल या विलेज काउंसिल के लिए इंतखाबात लड़ने हैं और हमारी पार्टी इसी सतह पर इस वक्त है, तो इसका इतलाक कैसे किया जाएगा? क्योंकि अगर वो हमारा आइन में कानून में लिखा है कि आप सियासी बुनियादों पर लोकल गवर्नमेंट में हिस्सा ले सकते हैं और विलेज काउंसिल जो है उसमें टोटल शायद 2000 वोटर ही ना हो, तो वहाँ से वो 2000 लोग लेके आएंगे कैसे? उनका जो पैनल है उनको ये सब चीज़ें होंगी। तो मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ने बगैर सोचे समझे जो हमारा पसे मंजर है, जो कॉन्टेक्स्ट है हमारी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का बशमूल जो लोकल गवर्नमेंट है उसको सोचे समझे बगैर ये चीज़ें डाल दी हैं। और मैं समझता हूँ वैसे भी ये बहुत ड्रैकोनियन चीज़ है, इसको विड्रॉ करना चाहिए। बिल्कुल, क्या बताएगा आप, क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है इसके पीछे किसका हाथ है या फिर इलेक्शन कमीशन ने खुद ही ये फैसला कर लिया है किसी की मुशावरत के बगैर? नहीं, किसी का भी हाथ हो चाहे उसकी नीयत अच्छी हो या बुरी हो ये इशू नहीं है। इशू ये है कि जाहिर है ये इलेक्शन कमीशन से आई है बात और इलेक्शन कमीशन की ही जिम्मेदारी बनती है, उसी को हम मुर्दे इल्जाम ठहरा सकते हैं कि उन्होंने इस तरह का जो अगर कानून बनाया, मैंने पढ़ा तो नहीं अभी लेकिन आप कह रहे हैं अखबारों में छपा है, तो अगर उन्होंने आज कोई ऐसी खबर निकाली है तो मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा कि इलेक्शन कमीशन को इस तरह का। ठीक है, सरवर बारी साहब फाफन की मेंबर हमारे साथ मौजूद थे और इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात कर रहे थे जो नए उन्होंने कवायद और जवाबित बनाए हैं तमाम सियासी पार्टीज के लिए, खासतौर से वो पार्टीज जो कि छोटी पार्टीज हैं उनको ये बहुत ज्यादा तहफ़ुज़ात हैं कि अब वो अपने कारकुनान का डेटा किस तरीके से जमा कराएंगी और अब अगर कोई पार्टी आगे आना चाहती है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहती है इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर, तो फिर वो अपने आप को किस तरीके से रजिस्टर कराएगी? क्योंकि ये बात जब निकली थी तो NA 120 से ही निकली थी क्योंकि वहां पर मिल्ली मुस्लिम लीग जो थी वो रजिस्टर तो नहीं की गई थी इलेक्शन कमीशन में, लेकिन इनके तमाम लोग जो और उसमें शामिल दीगर जो उनके कारकुनान थे वो घर घर जाकर कैंपेन कर रहे थे, पंपलेट बांट रहे थे, जिसके ऊपर तमाम लोगों ने तहफुजात का इजहार किया कि अगर ये एक जो बैन आउटफिट है इसको किस तरीके से इजाजत दी गई है कि ये कैंपेनिंग भी करे। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने नए कवाबित और जवाबित जो है वो वाजे किए हैं। अब देखना यह है कि क्या इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन दोबारा से नजरसानी करेगी, क्या दोबारा से तरमीम की जाएगी इन तमाम फैसलों पर, या फिर ये फैसले इसी तरीके से रहेंगे और छोटी पार्टीज जो है उनके लिए मुश्किल इसी। बिल्कुल जनाब,
पार्टियों को इस वक्त अपने मुस्तकबिल की पड़ गई है कि अब आगे उनके साथ क्या होगा, क्योंकि नवंबर के अंदर इसकी ड्यू डेट भी है, तो उससे पहले पहले तक तमाम दस्तावेजात जो है वो प्रॉपरली जमा करानी पड़ेंगे इलेक्शन कमीशन में, नहीं तो आपकी रुकनियत जो है वो बिल्कुल फारिग हो जाएगी। तो ये हम लोग पार्टी नहीं बना सकते इसके हवाले से। हाँ, ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि अब आप गली मोहल्ले में कोई पार्टी खोल रहे हैं और आप हुकूमत के अंदर आ सकते हैं या कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं आवाम के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनीवे जनाब, ये एक अहम टॉपिक था जिस पर आज हमने डिस्कशन की है, यहाँ पर लेंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में पख्तून कल्चर म्यूजियम हुकूमत की तवज्जो का मुंतजर है, क्योंकि खदीर रकम से म्यूजियम तो तामीर हो गया है लेकिन मुनासिब ना होने के बायस म्यूजियम सिर्फ एक इमारत ही बनकर रह गया है। इस हवाले से आपको ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं जो गुड मॉर्निंग आज की टीम ने बनाई है। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख को महकने और आने वाली नस्ल को अपनी सकाफत से रोशनास कराने के लिए गुज़श्ता हकूमत ने तकरीबन 23 मिलियन रुपए की खतीर रकम से पख्तून कल्चरल म्यूजियम तो तामीर कर दिया, लेकिन मुनासिब देखभाल ना होने के बायस ये सिर्फ एक इमारत ही बनकर रह गई। बेसिकली एक म्यूजियम के लिए स्टाफ होती है, इनके लिए जो दूसरी चीज़ें ले आना होती है कल्चर से रिलेटेड मुतालिक, यानी पूरी पख्तूनख्वा की जितनी भी कल्चर है, जितने इलाके के जितने भी लोग रहते हैं इसके, इनके लिए कोई बकायदा डिज़ाइन या स्कीम नहीं दिया गया था। तुलबा के मुताबिक इस कल्चरल म्यूजियम की हालत ज़ार इंतजार हुकूमती अदम संजीदगी का शाखसाना है। यहाँ पे प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, तो हमारी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे भी जरा वो देख ले, यहाँ पे आके कुछ देख ले, हमारा कल्चर जो है वो जाया हो रहा है। पश्तून कल्चर के वो बुनियादी चीज हमारी कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, हमारी सकाफत को उजागर करती है, इसको हम दुनिया को बताए, खुद प्रिजर्व करें ताकि हमारे आने वाले नस्लें इससे मुस्तफीद हो। अक्सर बंद रहने वाला इस म्यूजियम का गेट मुंतजर है सिर्फ एक चौकीदार का, जिसके ना होने की वजह से तुलबा गेट पर लगे ताले को देखकर वापस हो जाते हैं। पहली बार ये गेट खुला देखा तो हम अंदर आए, हमने कहा क्या देखे कि पिशावर म्यूजियम है क्या इसमें। अक्सर यहाँ पर ये गेट जो है बंद रहता है, तो ये पहली बार खुला था। सकाफत को महफूज करने और फिर आगे लेकर चलने के लिए जिन इकदामात की जरूरत होती है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शायद इनसे बेखबर है। पख्तून कल्चरल म्यूजियम फंड्स की कमी के बायस अदम तवज्जही का है, जिसके बायस इस खित्ते की सकाफत के मिटने का खदशा सर उठाने लगा है। कैमरामैन इमरान खान के साथ काशान अवान। काशान अवान जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर भी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं इस हवाले से। काशान जी, बताइएगा आप जब इस म्यूजियम में गए आपने क्या देखा, क्या क्या कुछ यहाँ पर अभी भी महफूज है जिसको तवज्जो देने की जरूरत है हुकूमत की जानिब से? देखिए, जब मैं इस म्यूजियम में गया तो सबसे पहले तो मुझे देख कर जो हैरत हुई थी बंद रहता है। आपने इस रिपोर्ट में भी देखा होगा मैंने ये चीज मेंशन की, क्योंकि वहाँ पर मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हुई जो विजिटर्स थे, जो दीगर कई डिपार्टमेंट से आते थे, वो कहते थे कि हम यहाँ अंदर जाकर विजिट करें, तो इसका गेट मुकम्मल बंद रहने की वजह जब हमने अंदर इसकी एक ही वाहिद एक ही कोऑर्डिनेटर है खातून है, तो उनसे हमने दरियाफ्त करने की कोशिश की तो वो कहती है मेरे पास क्लास 4 नहीं है, चौकीदार नहीं है, स्वीपर नहीं है, तो मैं खुद तो गेट सकीना के लोगों के मैं कार्ड चेक करूं और उनको अंदर विजिट के लिए छोड़ूं। तो इतनी खतीर रकम से एक म्यूजियम बना दिया गया जिसमें तारीखी चीजें रखी, जिसमें विरसा रखा गया खैबर पख्तूनख्वा का, और उसको फिर बंद कर दिया गया, तो इसकी कोई वक्त ही नहीं बनती। अच्छा आकाशा नावान, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने आपकी रिपोर्ट में भी देखा किस तरीके से आप बता रहे थे, वहाँ पर स्टूडेंट भी काफी मायूस लग रहे थे कि एक दिन ये म्यूजियम खुला तो हम वहाँ पर पहुँच गए म्यूजियम देखने के लिए। बताया क्या जाता है इंतजामिया की जानिब से, इसको तो फंड भी किए गए थे फिर भी इसकी सूरत हाल बेहतर नहीं हुई? इंतजामिया का ये कहना है, ये जो इंतजामिया इसका ये कहना है की जो हमें स्टार्ट में जो फंड मिले थे जिससे ये स्टेबल हुआ, जिससे स्टेब्लिश हुआ, और इसमें जितना सामान पड़ा हुआ है ये ज्यादातर इनको डोनर्स ने दिया गया है, और अच्छा। इन्होंने खुद से खरीदा नहीं है, और म्यूजियम का चूंकि एक अपना स्टैंडर्ड होता है जिसके लिए कैमरेज भी लगाए जाते हैं,
ये एक माहिर जो आसारे कदीमा में माहिर होता है उसको बिठाया जाता है जो इन चीजों को परचेज करता है और यहाँ लाकर रखता है और फिर इसकी प्रॉपर केयर भी करनी पड़ती है। तो ऐसा उधर कोई हमें नहीं देखने को मिल रहा, सिर्फ एक खातून कोऑर्डिनेटर हैं जो सिर्फ एक वाहिद खातून कोऑर्डिनेटर हैं जो 23 मिलियन का ये प्रोजेक्ट था बिलियन, और इस पर सिर्फ एक खातून कोऑर्डिनेटर बैठी हैं जो इसको डील कर रही हैं। तो वो खुद उसने हमसे जब बात की कहने थी कि मैं नहीं चला सकती इस चीज को, क्योंकि ना मेरे पास क्लर्क, मेरे पास इवन क्लर्क भी नहीं, मेरे पास इवन स्वीपर भी नहीं, तो मैं करूं तो क्या करूं। अच्छा काशन, जैसे कि मैं आपसे पहले भी पूछ रही थी कि जब आप यहां पर गए तो कौन कौन से आसारे कदीमा यहां पर मौजूद हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो सकाफत के कुछ रंग है वहां पर बड़े आया है, क्या क्या देखा आपने? बिल्कुल, हमने वहां पर जो कोची एक कौम है यहाँ पर बसती है, और जो चित्राल की जो उनके जो लिबास थे वो हमने देखे। अच्छा। जो शमला जिसे बोला जाता है, जो कि यहाँ के जो पहले के वॉरियर गुजरे हैं पिछले अदवार में, वो जो सरों पर पहनते थे वो हमने वहाँ पर देखे। अच्छा। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की और सकाफत के रंग हमें वहाँ पर दिखाई दिए। हमें वहाँ पर वो टाइप करने वाली वो मशीनें भी दिखी जो पश्तो में उसका फॉन्ट था और बहुत कदीम, वो कदीम दौर की वो पड़ी हुई थी, लेकिन चूंकि वो जो शोकेस पड़े हुए हैं उनमें से भी किसी की। अच्छा काशानवान, ठीक है, आपने पूरा ओवरऑल पख्तून कल्चर देखा मुख्तसरन, बिल्कुल आपने कहा कि वहाँ पर एक चौकीदार है और एक खातून कोऑर्डिनेटर है, अमले की कमी की क्या वजह बताई जाती है और क्या सूरत हाल कुछ बेहतर होगी आगे चल के, कौन सी इंतजामिया इसकी जिम्मेदारी लेती है? अमले चौकीदार भी नहीं है, मैं आपसे ये अर्ज कर चुका हूँ की एक खातून कोऑर्डिनेटर है, वो तो यही कह रही थी की मेरे पास चौकीदार नहीं है, इसी वजह से गेट। तो वहाँ पर अमले की जो कमी है और जो रिसोर्सेज की कमी, वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के लिए बता रहे थे कि यहाँ पर फंड नहीं है। बहुत शुक्रिया काशान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, और डेफिनेटली ये म्यूजियम हमारी सकाफत के इसमें बहुत से जो आसार हैं वो नुमाया है, लेकिन जैसे कि वो बता रहे थे कि कुछ शोकेस जो है वो भी टूटे हुए हैं जहाँ पर ये चीजें रखी गई है, तो डेफिनेटली हमें अपनी रवायात ख्याल खुद रखना पड़ेगा, हमें अपने इन असासों का ख्याल जो है वो खुद से पूरा पख्तून कल्चर जो है उसका असासा वहाँ पर मौजूद है और कोई देखभाल करने वाला नहीं। अच्छा कल्चर की ही बात करें हो रही है तो जहाँ पेशावर में हमारा कल्चर म्यूजियम जबुहाली का शिकार है, वहीं यूक्रेन में भी हमारे कल्चर को सेलिब्रेट किया गया, इनमें रंगारंग शानदार बैन अल-अक़वामी सकाफती मेले का इनेकाद किया गया जिसमें मुख्तलिफ ममालिक समेत पाकिस्तानी सकाफत की भी नुमाइश की गई। मेले के इनेकाद का मकसद पूरी दुनिया की सकाफत और इनके रवायती तर्ज को नुमाया करना है ताकि एक मुल्क की कौम दूसरे मुल्क की कौम के फन और सकाफत से आशना हो सके। मेले में पाकिस्तान के सिफारतखाने की जानिब से मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए जिसमें मेहंदी, रंगारंग पाकिस्तानी रवायती मलबूसात और नक्शो निगारी से सजे गुलदान वगैरह भी शामिल हैं। पाकिस्तानी सकाफत को टार्स शेफचेंको के तुलबा ने पेश किया जो इन्होंने रंगारंग पाकिस्तानी मलबूसात जेबतन किए और साथ ही पाकिस्तानी गाने माहिया पर पाकिस्तानी सकाफत को टार्स शेफचेंको के तुलबा ने पेश किया। इन्होंने रंगारंग पाकिस्तानी मलबूसात जेबतन किए और साथ ही पाकिस्तानी गाने माहिया पर रक्स किया। तुलबा ने स्टॉल्स की चीजों की भी खूब तशहीर की, तस्वीर में देखा जा सकता है कि मेहंदी भी लगाई जा रही है। यूक्रेन कम्युनिटी की जानिब से हर साल 29 ममालिक के लोग इस सकाफती मेले में हिस्सा लेते हैं और अपनी फन और सकाफत को रोशन करते हैं। यूक्रेन कम्युनिटी का इस प्रोजेक्ट को कराने का मकसद पूरी दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और बाहिमी ताल्लुकात को फरोग देना है। जनाब देखा आपने किस तरह यूक्रेन के अंदर ये बैन मेला सजाया गया और कितने रंगारंग यहाँ पर कल्चर्स हमें देखने को मिले हैं। पाकिस्तान के कल्चर को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है मेरा ख्याल है वो बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि कहीं पर लड़कियां मेहंदी लगा रही थी, कहीं पर रक्स कर रही थी, और जो खास तौर पर लिबास थे कितने कलरफुल थे। सब बिल्कुल कलरफुल थे लिबास, और साथ साथ मुझे ये सोचकर बड़ी हैरानगी हो रही है की एक तरफ तो पेशावर का म्यूजियम है जो जबुहाली का विरसे की किसी को परवाह नहीं, और एक तरफ यूक्रेन में ये बैन अल-अक़वामी कम्युनिटी है जो कि प्रमोट कर रही है पाकिस्तानी कल्चर को, उस तरह के कपड़े पहने हुए और मेहंदी भी लगा रहे हैं, तो बाकी में लम्हा फिक्रिया है। ये हमारे लोगों को, हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में कि हम अपने कल्चर को फरोग देना चाहिए। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का कहीं जाएगा, बट डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग, और अब आपको बताएंगे कि
इंटरनेट के इस्तेमाल में रोज बरोज इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके बाद अब पाकिस्तान इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली 10 मशीनों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। और पाकिस्तान पोजीशन जो के एतबार से इस वक्त 90 नंबर पर आ चुका है, ईरान 7 पर, जबकि बंगलादेश पोजीशन पर विराजमान है। पाकिस्तान में हर दूसरे बंदे के हाथ में मोबाइल फोन होता है और सार्फीन ज्यादातर अपने सेल फोन में इंटरनेट यूज करते हैं। अक्वामे मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस बराए तिजारत और तरक्की की जानिब से जारी होने वाली सालाना रिपोर्ट के मुताबिक सन 2012 से सन 2015 के दौरान 16 मिलियन से ज़ायद पाकिस्तानी ऑनलाइन हुए, जो मुल्क में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले सार्फीन की मजमूई तादाद का 47% बनता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मुल्क में 3G 4G टेक्नोलॉजी और स्मार्टफोन की तादाद में इजाफे के बाद पाकिस्तान में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले सार्फीन की तादाद है। इस वक्त मुल्क में इंटरनेट के जरिए तिजारत को भी फरोग मिल रहा है। एक सर्वे के मुताबिक स्मार्टफोन रखने वाले 73% सार्फीन मोटर राइड सर्विसेज के लिए मावन एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। जनाब, कौन कहता है कि पाकिस्तानी अवाम अब भी 19वीं सदी के अंदर जी रही है। पाकिस्तानी अवाम जो है वो अब टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल करना भी जानते हैं। मजे की बात यहाँ पर आपके साथ जो शेयर करूँ वो ये कि 73% सार्फीन जो है इस वक्त मोटर राइड सर्विस के लिए ये एप्लीकेशंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसके थ्रू अर्निंग भी कर रहे हैं। तो इंटरनेट को सिर्फ फेसबुक, ट्विटर और इस तरह की सोशल वेबसाइट्स के लिए नहीं बल्कि दीगर चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर बढ़ती जा रही है, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। इसी सब पर बात करने के पाकिस्तान टेक के फाउंडर कवल मंसूर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। आई एम गुड, माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत अच्छी थी और खुशी होती है कि पाकिस्तान जो है वो किसी न किसी रैंकिंग में पॉजिटिव साइड पे भी आ रहा है। बिकॉज हम लोग सुनते ही आ रहे थे कि हम लोग बड़ी अजीब सुनते हैं कि कराची जो है वो यू नो मोस्ट वर्स्ट सिटीज में से आता है और इंटरनेट। और आपने देखा कि पहले जो हमारे इंटरनेट का यूजेज होता था वो माँ बाप डांटते थे कि आप इंटरनेट ना यूज करें, अब थोड़ा सा ये हो गया। आप देखें 73% यूजेज जो है अगर हमारा मोटर राइड का है, सो इट्स अ बिग बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान कि हम लोगों की जो इंटरनेट यूज मैच्योरिटी है वो बहुत ज्यादा आगे आ रही है। इन टर्म्स ऑफ अगर आप देखें जो हमारी कम्युनिकेशन है, आप देखें 17 साल पहले 2000 में हम बिलो 100,000 के रेट पे थे, 98,000 यूजर्स थे हमारे इंटरनेट के। अभी भी जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं अराउंड 44 मिलियन यूजर्स पाकिस्तान में इंटरनेट यूज कर रहे हैं। अच्छा। तो हम इसको जो ये वैल्यू कलेक्ट कर रहे हैं वो 3G 4G सर्विसेज को इस्तेमाल, अभी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं जो केबल नेट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो DSL इस्तेमाल कर रहे हैं, कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। सो मोबाइल पे जो इंटरनेट यूजेज है उसकी इस वक्त एक्चुअली हम बात कर रहे हैं, अदरवाइज हम शायद इससे भी ज्यादा अगर हम ओवरऑल बात करें तो शायद इससे ज्यादा फिर हमारी रैंकिंग थोड़ी और ऊपर चले जाए आएगी इंशाल्लाह। बट अभी क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिर्फ मोबाइल यूजर्स की अभी बात हो रही है, तो बट इट्स अ ग्रोइंग मार्केट। अच्छा, भारत और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो है वो सेलफोन यूज किया जाता है और यूजुअली ज्यादातर लोग प्रेफर भी करते हैं, सबके हाथ में जैसे कि हमने रिपोर्ट में बताया हर वक्त सेलफोन रहता है। तो ये बताया पर ये बड़ी पॉजिटिव साइड है कि भाई हम 9th रैंकिंग के ऊपर आए हैं और हम सर्फिंग में इतना आगे हैं, हमारी आवाम के पास इतना शऊर है। वहीं अगर थोड़ा सा ये देखा जाए कि सेलफोन यूज़ करने में उन लोगों की भी तादाद बहुत ज़्यादा होती है जो कि पढ़े लिखे नहीं होते, या शायद जो अपना सिर्फ नाम लिख सकते हैं या सेलफोन स्टार्ट करना जानते हैं, मैसेज भी बड़े मुश्किल से वो करते हैं। तो आपको लगता है कि हमारी जो बहुत सारे बेशतर लोग हैं वो सर्फिंग कर रहे हैं तो वो अपना टाइम भी बर्बाद कर रहे होते हैं सर्फिंग पर सिर्फ इसलिए कि जी कोई क्यूरियोसिटी होती है कि जी कोई गाना आप सर्च कर लें, कोई चीज़ आप देख लें, हम पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ सर्फिंग में 9th रैंकिंग पे आए हैं, या आपको लगता है नहीं कुछ लोग बिला वजह भी सर्फिंग करके जो है हम यहाँ तक पहुँच गए? नहीं, आई थिंक बिला वजह का मैं समझ रहा हूँ कि अभी तो बहुत कम है। अच्छा, देखिए इंफॉर्मेशन का जो हाईवे है ना वो बहुत बड़ा हो गया है। अच्छा, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन अब मिल रही है। हम लोग अब देखें अब बहुत सारे ऑटम से बाहर निकल रहे हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है आप ये देखें कि इस वक्त तकरीबन 1 लाख से ऊपर लर्निंग एप्लीकेशंस बच्चों के लिए मौजूद हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। सो लोग इसको अक्वायर कर रहे हैं, ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। मैटर ये है कि आपने जो तालीम का कहा है, आज से पहले किसी ने शायद पाकिस्तान मार्केट में ये नहीं सोचा होगा कि यू नो टैक्सीज एंड ड्राइवर्स जो हैं वो एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारी जो ये जो पैराडाइम शिफ्ट हो रही है वो अमेजिंग है। अब जो है आप ये देखें कि जो कम्युनिकेशन है, आज से कुछ अर्सा पहले टेलकोस के अंडर थी कि जी वो यू नो SMS एंड यू नो इस पे हम उनकी अर्निंग थी,
अब जब से ये कम्युनिकेशन फ्री हुई है थ्रू व्हाट्सएप और एनी अदर एरियाज, तो उसमें आप ये देखें कि कौन से लोग ये सर्विसेज इस्तेमाल करना शुरू हो गए. हाँ. आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते होंगे जिन्होंने जो काम करके आते हैं कहते हैं जी प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप. एग्जैक्टली सर्विसेज की हद तक रह गई है कि सर्विसेज आप उन चीजों से ले रहे हैं. मेरा ख्याल है कि अब खवातीनों ने भी जो है वो इस तरह के बिजनेसेस स्मॉल बिजनेसेस स्टार्ट किए हैं जिसके थ्रू वो अर्न भी कर रही है. और वो तमाम लोग जो सोचते थे कि घर बैठ के खातून क्या कर सकती है, तो मेरा ख्याल है उनके लिए भी इंटरनेट इतनी जबरदस्त सोर्स ऑफ अर्निंग है कि आप घर में बैठ के अपनी चीजों को सेल आउट भी कर रहे हैं, आप इनोवेटिव आइडियाज दे रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर घर में बैठे हुए. तो ये एक बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट है. पाकिस्तान डेफिनेटली इस चीज में बढ़ रहा है, ये एक अच्छी बात है. अच्छा, आपके पास डेफिनेटली रिपोर्ट्स भी आती होंगी कि हमारे पास क्या क्या रेशियो है कि इन चीजों की. मैं आपसे डेफिनेटली रेशियो नहीं पूछूंगी, लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है कौन से सेक्टर में बेनिफिट हो रहा है इंटरनेट से. जो ग्रोइंग मार्केट्स हैं वो दो तीन हैं जिसमें सबसे ज्यादा काम हो रहा है, जिसपे पूरी दुनिया की अब एक्चुअली नजर पाकिस्तान की इस ग्रोथ मार्केट पे आ रही है कि ई कॉमर्स जो है वो अब ग्रो कर रहा है पाकिस्तान में. लोगों की जो परचेजिंग पावर है थ्रू इंटरनेट वो बढ़ रही है, कंज्यूमर मार्केट काफी बढ़ रही है. वही मैं सोच रही थी कि ऑनलाइन शॉपिंग भी जो है वो बहुत सारे लोग सेल फोन से ही कर रहे होते हैं. पूरी दुनिया में जो रिटेल इंडस्ट्री है वो डाउन हो रही है बिकॉज ई कॉमर्स इंडस्ट्री ग्रो कर रही है पाकिस्तान में. आई नो के अभी बहुत सारी चीजें सेट हो रही हैं. हमारे जैसे मैं अक्सर प्रोग्राम्स में कहता हूँ कि हमारे पेमेंट गेटवे का एक काफी बड़ा मैटर है जो अभी रिजॉल्व होना बाकी है. अच्छा, पाकिस्तान में वो क्या इशू है पेमेंट गेटवे का? हमारे पेमेंट गेटवेज अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए क्योंकि बाकी अगर दूसरे मुल्कों में अगर आप देखें तो जैसे पेपाल है वो अभी पाकिस्तान में नहीं आया. तो नो हमारे पास यहाँ पे जो एक्सेप्टेबिलिटी है, हमारे ई कॉमर्स इंडस्ट्री अभी भी कैश ऑन डिलीवरी पे चल रहा है, यू नो सीओडी बेसिस पे. तो जिस दिन अगर हमारे ये सिस्टम्स हुए, अब जैसे अब आपको पता होगा इंटरनेट बैंकिंग भी होने लगी है. देखिए इंटरनेट बैंकिंग है, मैं फिर भी बता रहा हूँ, हमारी एक कैश की एक बहुत बड़ी मार्केट है जो अभी बैंक इस्तेमाल अनबैंकिंग मार्केट अभी भी बहुत ज्यादा है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए. मैटर ऑफ फैक्ट इज के क्रिप्टो करेंसी, अब जैसे हम लोग इस पे करेंगे बहुत सारी कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह पाकिस्तान में करेंगे, ये जो कैशलेस इन्वायरमेंट बनता जा रहा है ना, अब आ रहा है कि क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में अनाउंस हुई है कि ये एक ऐसी करेंसी है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि यू नो टेंजिबल फॉर्मेट में नहीं है. सो इस तरह होगा कि आपकी जब ये इंडस्ट्रीज सभी एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी ना तो ये एक्चुअल ग्रोथ आपको नजर आएगी पूरी पूरी तो एक्चुअल ग्रोथ नजर आएगी. लेकिन ओवरऑल अगर सर्फिंग के हवाले से बात की जाए तो हम ये बात कर रहे हैं बार बार, और इससे पहले भी मैंने ये बात की कि क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन रेट कम है. चलिए जी, शॉपिंग करने के लिए किसी ने मोबाइल फ़ोन चलाना या ऑनलाइन साइट पे जाना सीख लिया, किसी ने व्हाट्सएप करना है, या फिर जो टैक्सीज़ के हवाले से आपने जिक्र किया उनको कॉल करना है, तो एक फॉर्मेट होता है कि इस तरीके से ये टैक्सी आ जाएगी, इस तरीके शॉपिंग हो जाएगी. क्योंकि लिटरेसी रेट बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर लोग पॉजिटिव बातें बहुत कम करते हैं, या मैंने तो कभी किसी को नहीं देखा कि वो कोई विकिपीडिया खोल के फोन पे बैठा हो. तो फिर आपको लगता क्या है कि सर्फिंग कर कौन रहा है, किस मकसद की जा रही है? देखिए, एक सबसे ज्यादा जिस चीज पे काम हो रहा है पूरी दुनिया में ना, वो है आपके कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर. ठीक. सो आपकी जब भी कभी कोई एप्लीकेशन लॉन्च होती है ना, तो वो इसको मद्देनजर रख के किया जाता है कि इसको कौन से यूजर्स हैं जो कंज्यूम करेंगे, जो इसको इस्तेमाल करेंगे. मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपनी एग्जांपल देता हूं कि मेरे ऑफिस का जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड है जो कि बिल्कुल अनपढ़ है और वो व्हाट्सएप भी इस्तेमाल कर रहा है और वो फेसबुक भी. एक हमने कहावत किसी जमाने में सुनी थी, जात की माँ होती है ना, तो वो हमने बिल्कुल सीख लिया है. तो हमारा अब एडेप्टेबिलिटी जो है ना, आप उस सेंस को देखें कि वो इतनी ज्यादा हो गई कि अब हमें पता हो गया कि इसके बगैर अब कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है. आपको एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहने के लिए आपने ये चीजें यूज करनी है ना. अब वो मेरे साथ ही खड़े होकर सेल्फी खिंचवा के भी फेसबुक पे लगानी है, क्योंकि व्हाट्सएप करना, सेल्फी बनाना और टैक्सी बुलाना, मेरे ख्याल में ये हर उस शख्स को भी आता है जो पढ़ा लिखा नहीं. हाँ, हमने अब पहले की और बात थी, मगर अब हम इस जरूरत को समझ चुके हैं कि कम्युनिकेशन का इससे बेहतर जरिया और कोई नहीं है. टू स्टे कनेक्टेड विद ईच अदर, ये एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लोगों ने व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बना लिए हैं कि यू नो लाइक माइंडेड लोगों का, या यू नो बिजनेस कम्युनिटीज के. सो तालीम बिल्कुल है, मगर अब हम लोग हो गए कि अब हमें समझ आ गया है. मजे की बात यह है कि आपकी छोटी से छोटी चीज अब आपके मोबाइल फोन में है, चाहे वो आपकी मेडिकल की चीजें हो. अब आप मेरे बल्कि मोबाइल में अपनी एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आपकी हार्ट बीट को भी चेक किया जा सकता है, ब्लड प्रेशर हाई है ये लो है ये बताया जा सकता है. प्लस ये लोग बहुत सी रेसिपीज जो है वो नेट के ऊपर देख रहे होते हैं. ये भी एक चीज है जो आपको एजुकेट कर रही होती है, चीजें समझा रही होती है. लाजमी नहीं कि आप विकिपीडिया पे कुछ सर्च कर रहे हैं. बिल्कुल सही कह रहे हैं. देखिए, हमारा जो जैसे YouTube अब जैसे जब से स्टार्ट हुआ है, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है. इस पे जो अगर आप सर्च क्राइटेरियाज को देखें,
मेरी वालदा हैं वो आप यकीन करें वो ड्रामा जब टीवी पे नहीं देखती हैं, वो एंड में जाके जो है वो मोबाइल पे जब रात सब सो तो आपने अपनी क्या की है कि अपनी एक्टिविटीज को बेस्ड कर दिया इंटरनेट के ऊपर के आपने जो है लेट सपोज आप यू नो बहुत सारे मैं तो मतलब अपनी पूरी फैमिली में हम लोग देखते हैं कि सब लोग जो है वो रेसिपीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं यू नो फिर मेकअप के लिए फिर अब मैं ये देख रहा हूँ कि जो यंगस्टर्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो अपनी लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उनको इवन छोटे बच्चों के लिए अब ऐप बना दी है कि आपने अगर कोई लैंग्वेज उनको सिखानी है कोई नई लैंग्वेज सिखानी तो उसके लिए अब ऐप्स चल रही है छोटी छोटी. अच्छा अभी पिछले दिनों हमारे प्रोड्यूसर जो है वो बता आपने भी कैश इन्वॉल्वमेंट की बात की थी तो एक ऐसी डिवाइस भी आ गई है कि अगर आप किसी मार्केट में जाते हैं तो सिर्फ आप अपना फेस दिखाएं तो आपकी पेमेंट भी हो सकती है. तो ये हमारी टेक्नोलॉजी से जदीद चीजें आते जा रही हैं तो पूरी दुनिया जो सिमट के एक सेलफोन के अंदर आ गई है. आप क्या समझते हैं जब हम सर्फिंग की बात करते हैं तो जहाँ पर इन्होंने कहा कि जो इंटरेस्ट होता है वो इस हवाले से उसको सर्फिंग कर रहा होता है और हमारा रैंक जो है इस हवाले से बढ़ता जा रहा है तो सेलफोन के अंदर पूरी दुनिया सिमट के आ गई है. आप सारे काम ही ऑलमोस्ट सेलफोन से कर सकते. कितनी इसके अंदर पॉजिटिव बात है पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानियों के लिए इंटरनेशनली हम क्या मैसेज दे रहे हैं इस सारे सूरत हाल से. बहुत अच्छा सवाल किया आपने. देखें हम सभी अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. हम लोग एक मैं ये ब्लंटली कहूँगा कि हम लोग एक वाकई एक इनोवेटिव कौम है. अगर आप ये देखें कि हमारे पास जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें अवेलेबल होता है यू नो अगर आप मेनली देखें कि बिजली के इश्यूज हैं यू नो टैक्सेस के इश्यूज हैं बल्कि उसके बावजूद भी हम लोग ग्रो कर रहे हैं यू नो इन चैलेंजेस के साथ अगर हम पॉजिटिव चीजें ढूंढ रहे हैं तलाश अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो दैट मींस कि हम लोग एक बहुत स्ट्रांग कौम है. ठीक हमारे साथ अब होगा ये कि आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह सॉल्यूशंस पाकिस्तान में हम लोग खुद भी कुछ बना रहे हैं और कुछ पाकिस्तान में आ भी सो जैसे जैसे ये सॉल्यूशंस आती जाएंगी अभी तो मेरी नज़र में हम लोग प्रॉपरली मुझे लगता है इससे ये मैसेज भी बड़ा स्ट्रांग जाता है कि हम लोग उस तरह की कौम है कि हम लोग सिर्फ अपने स्टांस पे नहीं होते. अगर हम ऐसी कौम होते तो हमारे अपने उसूल है हमारी अपनी चीजें हम क्यों सर्फिंग करें और कोई चीज ढूंढें. इससे पूरी दुनिया को ओवरऑल ये मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो जानती भी है पढ़ती भी है लिखती भी है वो लिबरल भी है और वो इंटरनेशनल दुनिया के साथ मीडिया के साथ लोगों के साथ राबते रखती है और उसी तरह से कदम बढ़ा के आगे बढ़ना चाहती है. आपकी जब बात होती होगी बहुत सारे इस तरह के मोबाइल यूजर से या तो वो आपको क्या कहते हैं कि क्या चीज वो ज्यादातर सेलफोन पे सर्च कर रहे होते हैं क्या चीज के लिए आपको पता लगता है कि यार अच्छा तुम सारे लोग ये कर रहे हो सेलफोन पे. खैर ये बहुत कम लोग है कि ये बात शेयर करते हैं बट अगेन आपको मैं बता रहा हूँ कि हर एज के लोग जो है या डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो उनके डिफरेंट इंटरेस्ट्स होते हैं. सही. मगर ये कि लोग अपडेटेड बहुत ज्यादा रह रहे हैं. देखिए हमारा जो सबसे न्यूज के हवाले से किसी भी हवाले से अपडेट रहना जो है ना इन्फॉर्मेशन के साथ. मैंने पहले भी जैसे आपको कहा कि अब हमारे पास बहुत ज्यादा वॉल्यूम में इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें स्टे अगर एक वजह ये भी है कह रहे खबर साहब और यहाँ पर मैं उन तमाम वालिदैन से भी बात करना चाहूंगी जो ये समझते हैं कि जी हर वक्त बच्चा मोबाइल में लगा रहता है कि देखिए दौर ही टेक्नोलॉजी का है और इस दौर के अंदर कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए इन तमाम चीजों के हवाले से आपका डेफिनेटली कंट्रोल बहुत जरूरी है आपका चेक एंड बैलेंस होना जरूरी है लेकिन बच्चों से बिल्कुल रोशनास कराए उनको सिखाए उनको समझाए और खुद भी समझने की कोशिश करें. वेल साइबर क्राइम के हवाले से अगर कुछ बात करें तो उस हवाले से क्या कहेंगे आप. साइबर क्राइम एक्चुअली मैं खुद भी बहुत ज्यादा चाह रहा हूँ कि मैं इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करूँ मगर ये एक अब एक ऐसा एरिया आ गया है कि जहाँ पे हमें इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि हमें थ्रेट्स के आने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ अगर हम मोबाइल्स यूज कर रहे हैं. आपको पता है कि एंड्रॉयड जो है वो एक ईजी अप्रोच है कि आप जो है कोई भी आपको इजीली उसमें अच्छा हमारे यहाँ जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यूजेज है साइबर क्राइम के हवाले से जितने ज्यादा लोग यूज करते हैं तो फिर आपको नहीं लगता कि उतनी ज्यादा स्ट्रांगली इसके ऊपर लॉबी बनना चाहिए क्योंकि 2 से 3 दफा साइबर क्राइम का जो बिल है वो भी पेश किया गया और ये मसला मुतनाज़े ही रहता है इसके ऊपर कोई प्रॉपर लाहे अमल तय नहीं किया गया अभी तक. हाँ अभी अगर हम साइबर लॉ की बात करें तो अभी तो बहुत सारी चीजें फिक्स होनी है. मेरे ख्याल से अभी इस वक्त जो करंट लॉ है वो काफ़ी इतना मुनासिब है कि इस पर अगर हम लोग प्रॉपरली इसको फॉलो करें. मगर हो ये रहा है कि हमारी जो आवाम है जो लोग हैं जो पब्लिक है वो एक्चुअली इतना अवेयर नहीं है. उनको पता नहीं है कि अच्छा फौरी तौर पे हमारा फर्स्ट स्टेप होना क्या चाहिए कि हमने करना क्या. सो आई थिंक हमें सबसे ज्यादा जो एजुकेट करना है लोगों को वो यही है कि और प्राइवेसी दोनों ये भी हमें प्राइवेसी तो काफी हद तक कम हुई है काफी हद तक कम हुई है. ये रिपोर्ट इस हवाले से आपके
अभी तक मेरे पास नहीं है, बट यू नो हम लोग काम कर रहे हैं इस पे, 2017 पे हम काम कर रहे हैं, बट टेक पाकिस्तान जो है। आप हमारे साथ थे फाउंडर टेक पाकिस्तान, और इतनी जबरदस्ती खबर के ऊपर हमने बातचीत किया ना, विश के आप लोगों को भी इस चीज से अंडरस्टैंड करने का मौका मिला होगा कि पाकिस्तान टेक बार से चाहे अपने कंट्रीब्यूशन बहुत कम दे रहा है, लेकिन उसकी अडॉप्शन के एतबार से पाकिस्तान बहुत ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। आज मैं यहाँ लेंगे एक ब्रेक, क्योंकि मुझे देखना है अपना ट्विटर कहीं जाएगा, मैं डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। आज वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज, और अब कुछ बात करेंगे भारत की। जंगी जनून में मुब्तला भारतीयों के देवता कम पड़ गए, और अब वहां लोगों की बड़ी तादाद ने हथियारों की भी पूजा शुरू कर दी है, जिसमें भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी शरीक होते हैं। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत में हथियारों की पूजा के हवाले से तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें सरकारी अहदेदारों, फौज और पुलिस एहलकारों और अवाम ने शिरकत की। रिपोर्ट के मुताबिक जदीद असलहे और रिवायती हथियारों से लैस ये तकरीब भोपाल, रायपुर और कलकत्ता में हुई, जिनमें मौजूद अफराद ने तलवारों के साथ रख भजन भी गुनगुनाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह की तकरीब में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी शिरकत करते रहते हैं। भारत में हथियारों की पूजा का त्यौहार राम के हाथों रावण की शिकस्त की याद में मनाया जाता है। कैसी अजीब सी बात है सबा, कि भारत जैसा मुल्क इस तरह की चीजें करे तो मेरा ख्याल है मायूब तो नहीं है, क्योंकि ऐसी बातें हम भारत से बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां पर उसकी भी पूजा शुरू कर देंगे। बिल्कुल, अच्छा मेरे लिए ये बड़ी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी हैं अगर उनका स्टांस देखा जाए ओवरऑल पूरी दुनिया में ही, तो वो ट्विटर पे भी ट्रॉल्स को फॉलो करते हैं, और वो इसी तरीके से जो है वो बेबाक बयान देते हैं, और दहशतगर्दी को जिस तरीके से वो सपोर्ट करते हैं, तो उसके बाद इनका इस तरीके से पूजा करना या हथियारों के हवाले से, तो ये मैसेज देना है पूरी दुनिया को कि वो कितने जारहाना है, वो अमन ही नहीं चाहते, अमन की बात। और ये तकारीब रायपुर, कलकत्ता और भोपाल में मुनक्किद की गई हैं, और दीगर नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि इनके जो दीगर फौजी सरकारी अहलकार हैं वो भी इसकी पूजा कर रहे हैं, और यही मैसेज दे ये जारियत के साथ हैं, और ये जारियत ही जारी रखना चाहते हैं, जिसका मुंह बोलता सबूत कश्मीर में जो कश्मीरियों के साथ हो रहा है और पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा रहा है, खवातीन की बेहरमती की जा रही है, तो मेरे ख्याल में ये इनको सूट करता है। आगे बढ़ते हैं और हिस्ट्री की बात करते हैं, और आज के दिन क्या हुआ था ये हम बताएंगे। अच्छा मैं बता देती हूँ कि आज के दिन 11 अक्टूबर 1852 में ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी का गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया की सबसे कदीम पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है, जो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट में वाक़ शहर सिडनी में है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी को यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से 1848 में ग्रेजुएट करने वाले विलियम वेंटवर्थ के मशवरे पर तामीर किया गया। विलियम के मुताबिक सिडनी में एक यूनिवर्सिटी बनाने का मुतालबा किया गया था जो सेक्युलर बुनियादों पर बनाई गई हो, और हर तबके और कौम का तालिब आज़ादी के साथ कौम की तामीर तरक्की में हिस्सा ले सके। विलियम के मुताबिक सिडनी में एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाने का मुतालबा किया गया था जो सेक्युलर बुनियादों पर बनाई गई हो, और हर तबके और कौम का तालिब वहाँ आज़ादी के साथ कौम की तामीर और तरक्की में हिस्सा ले सके। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से 6 वज़राए आज़म, हाई कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के 24 जस्टिसेस, जबकि 4 चीफ जस्टिसेस तालीम हासिल कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के पहले प्रिंसिपल जॉन वूली, जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के पहले प्रोफेसर जॉन स्मिथ थे। ब्रिटिश डेली टेलीग्राफ और द हफ के मुताबिक इसे दुनिया की 10 खूबसूरत यूनिवर्सिटीज में शामिल किया गया है। आई विश के कभी जिंदगी में मुझे भी चांस मिलता है इस तरह की यूनिवर्सिटी का। वेल मैं अपनी उम्मीद छोड़ी नहीं है, इंशाल्लाह पीएचडी के लिए मैं यही प्लान करूंगी। चलिए जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, आप जाएं और जरूर पढ़ें और मजीद आप सर्व करें। अच्छा जी, अब टाइम हुआ है रेसिपी का, और रेसिपी में इस दफा जो बन रहा है वो है, हम मिलकर देखते हैं कि किस तरीके से बन रहा है। लेट्स गो एंड चेक इट आउट।
मजेदार सी और बहुत ही जबरदस्त सी ये रेसिपी थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी पसंद आई होगी। और आज मेरा वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा मिर्जा साहब, कल हमने देखा जो मैच हुआ है, पाकिस्तान को शिकस्त का तो सामना रहा और आखिरी मैच भी श्रीलंका के अगेंस्ट पाकिस्तान हार चुका है, रैंकिंग भी काफी नीचे आ चुकी है। क्या कहेंगे मैच में ओवरऑल परफॉर्मेंस के हवाले से, क्योंकि दूसरे मैच में पाकिस्तान ने कमबैक करने की तो बड़ी जबरदस्ती कोशिश की थी, चाहे वो आसिफ शफीक हो, सरफराज हो, बैटिंग तो उनकी बड़ी जबरदस्त रही। बिल्कुल, पाकिस्तान फतह के नजदीक आकर भी फतह हासिल ना कर सका, क्योंकि जो 173 रन की पार्टनरशिप थी सरफराज अहमद और असद शफीक के दरमियान, उस वक्त उम्मीद बन गई थी कि शायद पाकिस्तान ये मैच, लेकिन फिर सरफराज आउट हुए और असद शफीक आउट हुए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के जो इब्तदाई बैट्समैन थे, जो शुरू के बैट्समैन थे, उनकी कारकर्दगी बड़ी मायूस सुन रही। आप देखें कि जिस टीम के 52 रन पर 5 सफे अव्वल जाए वो कैसे संभल सकती है। तो यकीनन क्रेडिट जाता है असद शफीक को और सरफराज को कि उन्होंने एक मजाहमत से पुर बैटिंग की, लेकिन उन्हें पता दिलवानी चाहिए थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी साहब, ये वही टीम थी जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जीती और थोड़ा सब्र करें, अब उनको कौन बताएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी जो टीम जीती थी उसमें ना शान मसूद थे, ना उसमें समी असलम थे, ना मोहम्मद अब्बास थे, बेशुमार खिलाड़ी ऐसे, ना उसमें यासिर शाह थे, लेकिन वो कैसे कह रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरह से चल रही है कि शिकस्त जब हो जाती है, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आपने बात की कि नजम सेठी का इस तरीके से ट्वीट आया है, तो उसमें ये भी बात कि इस टेस्ट मैच में जो कप्तान थे वो सरफराज अहमद थे और सरफराज अहमद ने यही कहा है कि खासा मुश्किल एक्सपीरियंस रहा है उनका इस टीम की कप्तानी का। टेस्ट क्रिकेट डिफरेंट चीज है, वनडे क्रिकेट फराज अहमद को सिर्फ 50 ओवर की कप्तानी करना थी, टेस्ट क्रिकेट में 2 इनिंग्स थी, यकीनन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे लगता है सरफराज अहमद बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, अभी से उनके खिलाफ बातें नहीं शुरू करनी चाहिए कि कप्तान अकेला कप्तान क्या करेगा, टीम हार गई, यकीनन वो शिकस्त से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और मुस्तकबिल में मजीद इम्प्रूव करेंगे। बहुत शुक्रिया मिर्जा, आप हमारे साथ थे और जो पाकिस्तान और श्रीलंका का कल का मैच था उस हवाले से अपना तजिया दे रहे थे। डेफिनेटली अभी उनका भी इम्तिहान था सरफराज का, तो चाहे जो भी सिचुएशन रही है, पाकिस्तानी टीम को हमें हमेशा सपोर्ट करना चाहिए और आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं जनाब, और आज के दिन शराबी शहनशाह डॉन जो भी किरदार निभाया, कमाल, भारतीय फिल्मी दुनिया पर राज करने वाले बॉलीवुड के सदाबहार सुपरस्टार अमिताभ बच्चन आज अपनी 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। सो हैप्पी बर्थडे टू द लेजेंड अमिताभ बच्चन, और ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी जो इनके आज का दिन बड़े ही जोश और खरोश से मना, पूरी दुनिया में इनके मद्दा हैं। अच्छा जी, गुड मॉर्निंग, आज के प्लेटफॉर्म से फिलहाल इतना ही, कल हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, नए तज्जियों के साथ, नए टॉपिक्स के साथ, तब तक मुझे और अनम को इजाजत, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए गेस्ट के साथ। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, गांव में याद रखिए, एंड कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग।